हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेजी व्लॉगर एंड एजुकेशन। आज मैं आपको केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के बारे में कुछ बातें बताऊंगा, जिससे कि आप केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्जाम में अधिक से अधिक अंक कैसे हासिल करें। आज मैं केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के बारे में काम आने वाले आवश्यक उपकरणों व नियमों की विस्तृत चर्चा करूँगा। इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल जेजी व्लॉगर एंड एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ पहुँचे। शुरुआत करते हैं क्लास 12 से। क्लास 12 में 44 नंबर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, जिसमें से 14 नंबर तो सतरंग भेजे जाते हैं विद्यालय में और 30 नंबर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, जिसमें एग्जामिनर हमारे प्रैक्टिकल लेता है, जिसमें कि हम किस प्रकार फॉलो करते हैं उस फॉलो के आधार पर हमारे नंबर आते हैं। फिर 44 नंबर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और 56 जो कि हमारा पेपर होता है, कुल मिलाकर 100 नंबर का हमारा पेपर होता है। अब बात करता हूँ मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की। बीएससी फर्स्ट ईयर का ढांचा इस प्रकार होता है, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट में अकादमिक रसायन 20 मार्क का होता है, जिसमें 5 मूलक दिए होते हैं और हमको बताने होते हैं कि यह मूलक किस प्रकार का है, धनात्मक मूलक है, ऋणात्मक मूलक है या बाधक मूलक है। सेकेंड पार्ट है अनुमापन। अनुमापन 20 मार्क का होता है, जिसमें आयतनीय विश्लेषण संबंधित है। अनुमापन अज्ञात विलयन की मानक विलयन के साथ अभिक्रिया कर सांद्रता ज्ञात करने की विधि को अनुमापन कहते हैं। थर्ड पार्ट भौतिक रसायन। भौतिक रसायन 15 मार्क का होता है, जो कि जिसमें श्यानता, पृष्ठ तनाव और भी कोई प्रैक्टिकल हो सकते हैं। श्यानता, श्यानता को हम नीटा से दर्शाते हैं, जिसकी इकाई पॉइज या सेमी पॉइज होती है, और श्यानता द्रव की दो सतहों के मध्य लगने वाले आंतरिक घर्षण बल को श्यानता कहते हैं। फिर आता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव को गामा से दर्शाते हैं, इसकी इकाई डाइन या सेंटीमीटर होती है। द्रव की प्रति सेंटीमीटर लंबाई में अभिलंब की दिशा में लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। फिर आता है फाइव नंबर का वाइवा होता है और 15 नंबर का रिकॉर्ड। फिर 20, 20, 15, 5, 15, 75। फिर बात करते हैं बीएससी सेकंड ईयर की। जिस प्रकार बीएससी फर्स्ट ईयर को 4 भागों में बांटते हैं, उसी प्रकार बीएससी सेकंड ईयर को भी 4 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट प्रैक्टिकल आता है बेरियम का बेरियम सल्फेट के रूप में आकलन, जो कि 20 मार्क का होता है। सेकंड पार्ट एक सॉलिड और एक लिक्विड दिया होता है, जो कि 20 मार्क का होता है। ये एक यौगिक होते हैं, जो कि हमको दर्शाने होते हैं कि ये किस प्रकार के यौगिक है। फिनॉल है, ईथर है, एल्कोहल है, मेथेनॉल है, एथेनॉल है, जो भी यौगिक आए वो हमको बताना होता है। फिर फिजिकल एक्सपेरिमेंट, जो कि 15 मार्क का होता है, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, सेकंड और थर्ड ऑर्डर कोटि आती है। कोटि अर्थात अभिक्रिया के वेग व्यंजक पद में उपस्थित अभिकारकों की घातों का योग कोटि होती है। ये 15 मार्क का होता है। और फिर जिस प्रकार बी एस सी फर्स्ट ईयर का 4 पार्ट होता है, उसी प्रकार बी एस सी सेकेंड ईयर का 4 पार्ट होता है, जिसमें 5 मार्क का वाइवा और 15 मार्क का रिकॉर्ड और सतरंग इसमें संबंधित है, जो कि कॉलेज द्वारा भेजे जाते हैं। किस प्रकार हम मंथली या ईयरली एग्जाम देते हैं, उसके आधार पर हमारे कॉलेज में सतरंग भेजे जाते हैं, 20, 20, 15, 5, 15, 75 मार्क। फिर हम जब कॉलेज में जाते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने, तब आवश्यक किस चीज़ की होती है? नंबर एक बुक्स की होती है, नंबर दो फाइल जिसमें सफ़ेद कवर सटा हुआ, फिर कोट लैब या कैपरी जो कि हमको आग से बचाता है, स्टॉप वॉच और कैलकुलेटर। फिर हमको जब कॉपी दी जाती है, तो उस कॉपी में हमको किस प्रकार से लिखना चाहिए, तो हम कॉपी की शुरुआत करते हैं पहले पेज में। पहले पेज में जो प्रैक्टिकल दिया होता है, उसका उद्देश्य, उसका सिद्धांत, परीक्षण, परीक्षण सारणी, गणना और परिणाम, ग्राफ और ये यूनिट। यूनिट बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिकल में। जब प्रैक्टिकल में यूनिट नहीं है और अपन पूरा प्रैक्टिकल करते हैं, रिजल्ट के अंत में यूनिट नहीं लिखते हैं, तो प्रैक्टिकल निरर्थक है। फिर आवश्यक उपकरण और सावधानियां नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि इनका हमारे नंबर डिसाइड नहीं होते हैं। कॉलेज में नंबर डिसाइड के आधार पर ये बांटे जाते हैं, लेकिन इनके कोई नंबर नहीं मिलते हैं। ये अपन को जब फाइल बनाते हैं तो उसमें लिखना ज़रूरी है। अब शुरुआत करते हैं आवश्यक उपकरणों की। आवश्यक उपकरण में पहले नंबर का हमारा उपकरण है परख नली। ये बड़ी परख नली है, ये छोटी परख नली है। साइज़ के आधार पर इसमें कम ज़्यादा विलयन भरा जाता है। सेकंड नंबर का उपकरण है, इसको बोलते हैं परख नली स्टैंड। ये परख नली इस परख नली स्टैंड में रखी जाती है। थर्ड नंबर का उपकरण है लोहे की जाली तार। ये लोहे की जाली तार इस ट्रिपल स्टैंड के ऊपर रखी जाती है, और ट्रिपल स्टैंड को इस ज्वाला के ऊपर रखते हैं और इसके ऊपर बीकर रखा जाता है और इसमें विलयन गर्म किया जाता है। चार नंबर का उपकरण है वॉश ग्लास। ये वॉश ग्लास बीकर को ढकने के काम आती है,
और ये है बीकर 5 नंबर का, ये ज्वाला है। इस ज्वाला के ऊपर इस ट्रिपल स्टैंड को रखते हैं और बीकर में विलियन को गर्म करते हैं। ये है बीकर, ये 6 नंबर का है, ये है ट्रिपल स्टैंड। इसके ऊपर एक तो बीकर रख के विलियन को गर्म करते हैं और सेकंड नंबर इसके ऊपर इस टोंग से पकड़कर क्रूसिबल रखते हैं, क्रूसिबल में किसी अवशेप को गर्म करते हैं। 7 नंबर का उपकरण है, इसे क्लैंप पाइप बोलते हैं। ये क्लैंप पाइप क्योंकि क्रूसिबल का आकार बहुत छोटा है, क्रूसिबल को इस क्लैंप पाइप के ऊपर रखते हैं, फिर इस क्लैंप पाइप को इस ट्रिपल स्टैंड के ऊपर रख के क्रूसिबल में अवशेप को गर्म करते हैं। 8 नंबर का ये उपकरण है, इसको टोंग बोलते हैं। इस टोंग की सहायता से क्रूसिबल को पकड़ा जाता है और इस क्लैंप पाइप के ऊपर रखा जाता है। और ये जो बीकर है ये पाइरेक्स कांस का बना होता है, कांस का एक प्रकार है पाइरेक्स कांस, जिसके द्वारा ये बीकर बना होता है। अब आगे शुरुआत करते हैं 9 नंबर उपकरण की। 9 नंबर उपकरण है ब्यूरेट, और ये ब्यूरेट इस ब्यूरेट स्टैंड पर लटकाया जाता है। इस प्रकार का ब्यूरेट होता है और इस ब्यूरेट में विलियन भरा जाता है, फिर इसके नीचे इस कॉनिकल प्लास्क या शंक्वाकार प्लास्क को रखा जाता है, फिर बूंद बूंद करके अनुमापन में इसमें विलियन डाला जाता है। और इसमें विलियन कॉनिकल प्लास्क में पहले से 10 ml विलियन डाला जाता है, जो कि इस पीपेट की सहायता से भरा जाता है। पीपेट में 10 ml इस लाइन तक भरा जाता है, फिर मुंह से खींच के 10 ml पीपेट में विलियन भरते हैं। कभी कभी पीपेट में मुंह में खींचते समय विलियन या कोई एसिड मुंह के अंदर चला जाता है, तो विद्यार्थी क्या करते हैं, सीधा मुंह पानी से भरते हैं। इससे ऐसा है कि जब हमारे पीपेट से एसिड या कोई विलियन मुंह के अंदर चला जाए तो शुरुआत में हमको सीधे टीचर से परामर्श लेनी चाहिए। फिर अगले नंबर का उपकरण है 11 नंबर, तो कॉनिकल प्लास्क या शंक्वाकार प्लास्क है, और ये दो उपकरण है जिनका हमारा लैब में बहुत आवश्यक कम है। 12 नंबर का है ड्रॉपिंग बोतल और 13 नंबर का है धावन बोतल। 14 नंबर ये एक भार तोलने का तुल्ला है, जिसके ऊपर क्रूसिबल रखते हैं और यहाँ पर और भार तोलते हैं। और 15 नंबर का है ये स्टॉप वॉच है, समय नोट करने के काम आती है। ये 16 नंबर का है, इसको की बोलते हैं। की वही चीज़ है कि ग्रामीण स्तर में जब हम केरोसिन इस कीप की सहायता से ड्रम में भरते हैं, वही कीप इस ब्यूरेट के ऊपर लगाते हैं और इसमें विलियन डालते हैं। ब्यूरेट में जब विलियन भर दिया जाता है तो इस कीप को हटा लेना चाहिए। फिर अगला उपकरण है 17 नंबर, इसे कांच की रॉड, लोहे की रॉड या पुलिसमैन बोलते हैं। इसकी सहायता से भारात्मक विलियन में जब प्रैक्टिकल करते हैं तब यह बीकर के अंदर विलियन हिलाने के काम आता है। सेकंड नंबर इसके ऊपर कोई पदार्थ लगाते हैं और पदार्थ लगाने के बाद इस पुलिसमैन को हम ज्वाला पे ले जाते हैं और ज्वाला पे इसको जलाते हैं। यदि ये पदार्थ ज्वाला के साथ जलता है या ज्वाला के साथ नहीं जलता है, ये दोनों कारकों से पदार्थ के एरोमेटिक या एलिफेटिक होने का पता चलता है। तो चलिए 18 नंबर हमारा उपकरण है आरडी बोतल। आरडी बोतल का पूरा नाम आपेक्षिक घनत्व बोतल है। इसके सहायता से किसी द्रव का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। अगला उपकरण 19 नंबर उपकरण है, जिसको ऑसवाल्ड का विस्कोमीटर बोलते हैं। इस ऑसवाल्ड के विस्कोमीटर उपकरण की सहायता से किसी द्रव की श्यानता ज्ञात की जाती है, जो श्यानता के प्रैक्टिकल में इसको आपको विस्तार से बताऊंगा। अगला उपकरण है 20 नंबर उपकरण है, जिसको टार्डवे का बिंदुमापी बोलते हैं। टार्डवे के बिंदुमापी की सहायता से किसी द्रव का पृष्ठ तनाव ज्ञात किया जाता है, जो कि आगे आपके प्रैक्टिकल है फिजिकल एक्सपेरिमेंट में। इस टार्डवे के बिंदुमापी को आपको विस्तार से मैं समझाऊंगा। 21 नंबर उपकरण है, जिसको हम क्रूसिबल बोलते हैं। ये क्रूसिबल चीनी मिट्टी की एक प्याली है, जिसको जो उस ताप सहन करती है। इसको सर्वप्रथम हम क्रोमिक एसिड से जोड़ते हैं। क्रोमिक एसिड K2Cr2O7 और सांद्र H2SO4 का विलियन होता है। इस विलियन की सहायता से इस क्रूसिबल को धोते हैं और धोने के पश्चात यह अवशेप को गर्म करती है, जो कि टेपल स्टैंड पर रखा जाता है और फिर ज्वाला के ऊपर इस क्रूसिबल को रखा जाता है। 22 नंबर ये उपकरण है, जिसको डेसिकेटर बोलते हैं। ये लैब का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है, जो कि जल को अवशोषित न करने अर्थात शुष्क वातावरण रखने के लिए काम आता है। इसके अंदर नीचे कैल्शियम क्लोराइड प्लस कंसंट्रेशन H2SO4 का विलियन भरा होता है, जो कि शुष्क वातावरण बनाने के लिए इस क्रूसिबल को इस डेसिकेटर के अंदर रखते हैं। लास्ट उपकरण है
तो ये उपकरण नहीं है, एक तरह से ये वॉटमन फिल्टर पेपर क्रमांक 42 है, जो कि शंकु के आकार का होता है। इसको शंकु के आकार में बदल कर फनल के ऊपर रखते हैं और फिर किनारे से विलयन को डालते हैं, या उस इसमें अवक्षेप 20 में एकत्र करने के लिए विलयन को किनारे से डालते हैं। और ये वॉटमन फिल्टर पेपर 42, इसमें राख की मात्रा बहुत ही कम होती है, 0.1 mg के आसपास होती है। और ये वॉटमन फिल्टर पेपर क्रमांक 42 ये गोल आकार का होता है और सफ़ेद आकार का गोल कागज़ होता है। ये गंधक के आकलन में जब बेरियम का बेरियम सल्फेट के रूप में आकलन करते हैं तब ये काम आता है। अब बात करते हैं 10 की पावर की। ये 10 की जो पावर है, जो हम यूनिट लगाते हैं, यूनिट के पीछे 10 की पावर लगाते हैं। यदि ये 10 की पावर जो एग्जामिनर आता है, वो एग्जामिनर इस 10 की पावर के बारे में पूछता है कि 10 की घात 6 को अपन पीछे मेगा लिखते हैं, यदि अपन 10 की पावर को गीगा लिख देते हैं, 10 की पावर 6 को गीगा लिख देते हैं, तो वो गलत है। वो एग्जामिनर पूछ लेता है कभी कभी 10 की पावर 9 को क्या बोलते हैं। तो ये कुछ पावर है, ये याद रखना ज़रूरी है। 10 की पावर 1 को डेका बोलते हैं, 10 की पावर 2 को हेक्टो बोलते हैं, 10 की पावर 3 को किलो बोलते हैं, 10 की पावर 6 को मेगा बोलते हैं, 10 की पावर 9 को गीगा बोलते हैं, 10 की पावर 12 को टेरा बोलते हैं, 10 की पावर 15 को पेटा बोलते हैं, 10 की पावर -1 को डेसी बोलते हैं, 10 की पावर -2 को सेंटी, 10 की पावर -3 को मिली, 10 की पावर -6 को माइक्रो, 10 की पावर -9 को नैनो, 10 की पावर -12 को पीको, 10 की पावर -15 को फेमटो बोलते हैं। फिर कुछ सावधानियां हैं, जो वीडियो के शुरुआत में ही मैंने कहा था कि मैं कुछ सावधानियां बताऊंगा जो प्रैक्टिकल में आवश्यक है। पहली सावधानी है कि जब हम अनुमापन करते हैं तो बी रेट पर की फटा लें। सेकंड, जहां पर प्रैक्टिकल करते हैं वो प्रैक्टिकल जगह साफ हो। थर्ड, विलयन कम बनाएं। जब हम अनुमापन करते हैं तो विलयन कम बनाएं, क्योंकि जब हम घर में सब्जी बनाते हैं तो उसकी मात्रा कम हो तो सब्जी टेस्टी बनती है। उसी प्रकार यदि कम विलयन हो तो प्रैक्टिकल का रिजल्ट अच्छा आएगा। फिर जो भी कांच के उपकरण हैं उनको क्रोमिक एसिड से धोएं, क्रोमिक एसिड से धोने पर रिजल्ट अच्छा आएगा। फिर नंबर 5 नंबर है, कॉनिकल फ्लास्क प्रत्येक अनुमापन के बाद अच्छे से धोएं, क्योंकि हम जब अनुमापन करते हैं तो 4-5 रिजल्ट निकालने पड़ते हैं। तो इसी प्रकार कॉनिकल फ्लास्क को अलग अलग अनुमापन के बाद धोएं। 6 नंबर है, परिणाम केवल 4.9 तक ही ज्ञात करें, जैसे कि 5.0234, ये दशमलव के बाद 4 अंक की हो परिणाम है, इनके पीछे यूनिट हो। अगला, प्रकनली हाथ में पकड़ें जब हम अनुमापन करते हैं या इसमें कोई गर्म विलयन डालते हैं तो इसको टोंग से पकड़ें, यदि कोई ठंडा विलयन डालते हैं तो प्रकनली हाथ में पकड़ें। अगला, ब्यूरेट पीपेड उसमें भरे जाने वाले विलयन से कंगाल है, क्योंकि जब हम इसमें वो विलयन नहीं डालते हैं तो उसमें थोड़ी सी पानी की मात्रा रहती है जो कि रिजल्ट भिन्न ला सकती है। आप सभी का धन्यवाद, आपने हमारा ये वीडियो लास्ट तक देखा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिकल के साथ। धन्यवाद।